दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पॉलोथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। हाल ही में सरकार के आदेशों के बाद पॉलोथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला मुख्यालय नाहन में प्रशासन द्वारा गठित टीम ने बाजार में छापेमारी कर पॉलोथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे और साथ ही उनको जरूरी हिदायतें भी दी हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उम्मीदवारों के प्रोजेक्ट अनुमोदित। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वर्ष सिरमौर जिला में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की सब्सिडी वितरण का लक्ष्य रखा गया। योजना के तहत जिला मुख्यालय नाहन में आज साक्षात्कार के दूसरे दिन करीब 60 युवाओं ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि योजना को लेकर युवाओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही सरकार। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सोलंकी ने जयराम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नाहन मीडिया से बात करते हुए अजय सोलंकी ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अजय सोलंकी ने कहा कि आए दिन तबादलों की सूचियां निकाली जा रही हैं और बड़े स्तर पर प्रदेश में राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला में रोजाना दिख रही पर्यटकों की दादागिरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रोजाना दिख रही पर्यटकों की दादागिरी। कहीं पर्यटक खुलेआम दारू पी रहे हैं तो कहीं आम लोगों और पुलिस के साथ उलझते नजर आ रहे हैं। राजधानी शिमला में सैलानियों को पुलिस ने जब मास्क पहनने को कहा तो पर्यटकों ने वर्दी पर हाथ डाल दिया। लगातार बढ़ती सैलानियों की संख्या से काफी दिक्कतों का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है। जल शक्ति मंत्री के खिलाफ संगठनों ने खोला मोर्चा। जल शक्ति मंत्री के शिक्षकों पर दिए गए बयान के विरोध पर अब विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, समता सैनिक दल, समाज सुधार सभा के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री से महेंद्र सिंह से जल शक्ति मंत्री से हटाने की मांग की और यदि उन्हें पद से नहीं हटाया जाता है तो आने वाले समय में जिला स्तर पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। उपकुलपति और गैर कानूनी प्रोफेसरों की भर्तियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। SFI विश्वविद्यालय इकाई ने अयोग्य उपकुलपति और गैर कानूनी प्रोफेसरों की भर्तियों के खिलाफ पिंक पेटल्स पर धरना प्रदर्शन किया। SFI का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार विश्वविद्यालय और शिक्षा का भगवाकरण करने पर आतुर है। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के पुराने उपकुलपति ADN वाजपेयी के कार्यकाल के खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय लगभग 1.5 साल तक बिना उपकुलपति के रही। मतदाता अब पहचान पत्र को राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल से भी कर सकेंगे डाउनलोड। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा DC राणा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसमें मतदाता अपना मतदान पहचान पत्र की डिजिटल PDF फाइल राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के कोटे से जा रहे इन पदों के लिए 2 दिन होगी टंकन परीक्षा। पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के पदों के लिए टंकन परीक्षा 12 और 13 जुलाई को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित होगी। पूर्व में इन पदों के लिए टंकन परीक्षा अप्रैल माह में चल रही थी लेकिन कोरोना महामारी के लगातार मामले बढ़ने के बाद 24 अप्रैल से ये परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब जो अभ्यर्थी टाइपिंग परीक्षा से वंचित रह गए थे उनके लिए ये परीक्षा 12 और 13 जुलाई को किया जा रही है। अब तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा
में भी फेल होंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर ही इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 6 से 10 जुलाई तक लगातार बारिश तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।